महनगर तहसील परिसर में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन टीम के द्वारा एसडीएम के माध्यम से राजपाल महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। महनगर में आबादी के मामले तथा नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा जो आज दीवानी न्यायालय में विचाराधीन मामले में भी कब्जा करा रहे हैं, वहीं खुटवा गांव में पोखरी में कब्जा कराने में स्पष्ट है कि ऐसे अधिकारियों के चलते वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वादकारी दर दर भटकने को मजबूर है। वहीं एक मामला पत्रकार ने जब पूछा कि आप आबादी की जमीन पर कब्जा दिला सकते हैं तो वे पत्रकार पर भड़क गए और शब्द का प्रयोग करने लगे। वहीं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम के द्वारा आज एसडीएम महनगर के माध्यम से राजपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर पूर्वांचल प्रवक्ता दुर्गा सिंह, तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव, राम सुंदर, एस एन तिवारी, दीपक सिंह, विशाल सिंह, गणेश गुप्ता इत्यादि पत्रकार उपस्थित रहे। मेरा नाम जयनारायण शर्मा है, मैं बैसवाड़ा से रिपोर्टर हूँ महनगर तहसील से। जैसा कि आप महनगर तहसील पे आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि घोनी गांव में आबादी का मामला है, उसमें दीवानी भी चल रहा था। ये नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा द्वारा जाकर जबरदस्ती उस पर कब्जा कराया गया और मैं जब उनसे पूछा कि क्या आपका इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या, तो यह हमें हमारे ऊपर भड़क गए और बहुत ही भद्दी भद्दी जो है बात बोलने लगे, अभद्र टिप्पणी की हमारे ऊपर। उसके बाद मैं अपनी टीम को जाकर के मैं अपने तहसील अध्यक्ष से कहा बात को, तो यह आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आज जो है यहाँ पर एसडीएम महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके पहले आप किसी अपर अधिकारी के यहाँ गए थे क्या? हम लोग डीएम साहब के यहाँ भी गए थे और वह यहाँ पे जो उसके ऊपर आदेशित करने के लिए इनको दिए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब ने अपने आदेश में एसडीएम महनगर को क्या लिखा? अभी तक उस पर कुछ लिखा नहीं है, अभी देखना है क्या करते हैं पत्रकार के हित में। एसडीएम साहब दे अपना। मैं दीपक कुमार सिंह, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील उपाध्यक्ष महनगर। जैसा कि आप लोग महनगर तहसील में आए हुए, अपने संगठन के साथ काफी पत्रकार दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या मामला है? मामला मैं आपको बता दूं कि हमारे एक साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, जनार्दन शर्मा, जो कि बैसवारा न्यूज के हमारे तहसील महनगर के संवाददाता है। इनके साथ नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा ने काफी अभद्रता पूर्व व्यवहार किया था, जो कि इनका एक मामला था, दीवानी न्यायालय में विचाराधीन था, इसमें जबरदस्ती जाके इन्होंने काम करवाया है। और जब इस पे जो है जनार्दन शर्मा ने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या इस पे आपका राइट है, इस पे करवा सकते हैं, उन्होंने इनको भद्दी भद्दी गलत तरीके से व्यवहार किया है और पुलिस कर्मी के द्वारा इनका मोबाइल भी छिनवाया जा रहा है, जो कि पत्रकार के साथ जो चौथा स्तंभ माना जाता है, सरासर अन्याय है। अगर इस तरह बेलगाम अधिकारियों के द्वारा इस तरह से कार्रवाई करती है तो हमारा एसोसिएशन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन भूख हड़ताल और आंदोलन करने के लिए बात होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसको लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिया था, जिसपे उन्होंने रिपोर्ट मांगा हुआ एसडीएम महनगर से। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज हम लोग फिर थक हार कर एक हफ्ते के बाद महामहिम राज्यपाल को संबोधित करके उप जिलाधिकारी महनगर को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती, हम पत्रकार बंधु लामबंद होकर जिले पे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो एक चीज बताइए, डीएम साहब ने जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया, डीएम साहब ने जो ज्ञापन मांगा उस पर क्या कार्रवाई करते, फर्दर कार्रवाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर हमको कोई इसका संज्ञान नहीं है, ना तो इसकी हमको जानकारी है।